हाई एवरी वन आज हम लोग वैक्टर एडिशन के ऊपर पांच क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको आप पहले इसको ट्राई करें फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें तो स्टार्ट करते हैं विथ विथ दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है राइट right? तो इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वैक्टर माइनस वी वैक्टर के मैग्नीट्यूड को इक्वल करना होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लाइक दिस ये मैंने ये लिखा राइट right? ये किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, लाइक दिस ये मैंने इस ये लिखा है तो ये दोनों जो है वो इक्वल दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ठीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस राइट ये दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है फोर ए बी कॉसा इज्क टू जीरो दैट मीन कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया जीरो कॉस्ट जीरो कब होता है नाइन्टी डिग्री पे ए एंड बी के बीच में एंगल यहाँ पे क्या आ गया नाइन्टी डिग्री अब इसको थोड़ा सा आई क्यू से करने की कोशिश करते हैं लाइक इफ दिस ए वैक्टर नाउ अगर मैं ये कहूं कि ये जो है वो बी वैक्टर है राइट right? तो इसके अपोजिट माइनस बी वैक्टर हो जाएगा लाइक like दिस तो कह रहा है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल है तो यहाँ पे ये एंगल है थीटा एंड ये एंगल क्या है पाई माइनस ठीटा तो ऐसा कब होगा जब एंगल ये दोनों सेम हो जाए तभी तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा लाइक बी वैक्टर एंड माइनस वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है एंगल भी सेम होना चाहिए तो यहाँ पे हम सेम कर देते हैं एटा इक्व टू पाई माइनस टीटा तो यहाँ से टू थीटा इक्व टू क्या आ जाएगा पाई तो थीटा इक्व टू क्या आ जाएगा पाई बाई सिंपल नाउ यहाँ पे दे रखा है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए का मैग्नीट्यूड एंड बी के मैग्नीट्यूड के समीशन के इक्वल है तो पहले तो इसको हम सिंपल uh, फॉर्मूले से करेंगे लाइक ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे प्लस टू ए बी कॉस थीटा ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए प्लस बी इट right. अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स टू ए बी सिंपल है यहाँ पे भी ये दोनों हम कट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज टू वन टीटा इक्वल टू जीरो डिग्री अब इसको थोड़ा सा आईक्यूसी करने की कोशिश करते हैं लाइक like, अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने ठीक है तो इसमें जब बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आ रहा है उन दोनों के समीशन के इक्वल आ रहा है लाइक like, रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी है मतलब ये जो लेंथ है रिजल्टेंट का वो कितना है ए प्लस बी के इक्वल है है ना ऐसा तो कब होगा जब दोनों पैलर हो लाइक like दिस इन दिस केस जब दोनों वेक्टर पैलर होते हैं तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली एड कर देते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दो वैक्टर पैलर हो जब दो वैक्टर पैलर होते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के स्कैलर समीशन के इक्वल होता है क्लियर है तो ये आप याद भी कर सकते हैं नाउ दिस वन क्वेश्चन इज अबिट टफ थोड़ा टफ है लाइक like अभी तक जो भी हमने किया इसमें हमें दो चीजें देख दे रखी है एक तो रिजल्टेंट जो है वो ए बाई टू के इक्वल है एंड रिजल्टेंट बी के पर पेंडिकुलर है राइट तो पहले तो रिजल्टेंट लिख लेते हैं ए बाई टू के इक्वल लाइक ये हमने रिजल्टेंट लिखा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू राइट सिंपल है जस्ट मैंने uh, रिजल्टेंट को किसका इक्वल लिख दिया ए बाई टू के जो कि क्वेश्चन में दे रखा है अब मुझे क्या करना है आर को बी के परपेंडिकुलर करना है तो पहले तो आर एंड बी के बीच में एंगल लिखेंगे ये एंगल क्या है एंगल बिटवीन आर एंड बी वेक्टर राइट तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला लिखा होगा ना आपने किसके इक्वल होगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा तो ये किसके इक्वल बोल रखा है नाइन्टी डिग्री के इक्वल बोल रखा है राइट तो नाइन्टी डिग्री पे टैन थीटा क्या होता है लाइक टैन फाइव यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा दैट मीन्स ये वाला जो चीज़ है इसको हमें किसके इक्वल करना पड़ेगा जीरो तो so, कर देते हैं इसको जीरो के इक्वल लाइक बी प्लस ए कॉस टीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया माइनस बी बाई ए सिंपल है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे बस हमें पुट कर देनी है कर सकते हैं ना तो कर देते हैं लाइक like पहले तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस टू ए बी कॉस टीटा कॉस टू ए स्क्वायर बाई फोर हम ऐसा करते हैं इसको b बाई ए के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि कॉस थीटा जो है हमारे बी वाई ए के फॉर्म में आया तो हम इस इक्वेशन को ही बी बाई ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टू बी बाई ए टू वन बाई फोर अब यहां से बीवाई ए की वैल्यू क्या डाल देंगे कॉस थीटा यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्व टू वन बाई फोर राइट सिंपल है अब इसको हम कर देंगे सॉल्व लाइक हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके कॉस स्क्वायर थीटा इक्व टू थ्री बाई फोर तो थीटा टू, रूट टू, प्लस आएगा यहां पे रूट खोला है तो तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री या 150 डिग्री, राइट? अब अगर इसको हम इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखें तो ये वाला हमारा हो जाएगा रिजेक्ट तो हमारा आंसर ये आ जाएगा एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे इक्वेशन में डाल के तो ये जो है हमारा हो जाएगा रिजेक्ट सिंपल है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है आप इसको डायग्राम से भी करने की कोशिश कर सकते हैं लाइक like, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंड दे देती हूँ आफ्टर मेकिंग सम स्पेस लाइक डायग्राम से हम करेंगे तो हम हम क्या करेंगे बी वेक्टर ड्रॉ करा पहले एंड बी वेक्टर के पेंडिकुलर आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया राइट right? अब ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर एंड आर को किसके इक्वल कहा गया है ए बाई टू तो ये एंगल हमें मिल जाएगा पाइथागोरस से मिल जाएगा ना तो इसको आप ट्राई कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है राइट नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी हमें सेम एंड बी के बीच में एंगल बताना है यहाँ पे ए बी एंड रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो हम एज यूजल पहले तो इक्वेशन से जाएंगे लाइक like इक्वेशन से जाना है तो हमें क्या करना होगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा वेक्टर समीशन का लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट अब ये तीनों को इक्वल कर देते हैं तीनों को इक, पहले तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तीनों को ए के इक्वल भी कर देंगे लाइक बी इज ऑल्सो इक्व टू ए प्लस टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर यहाँ पे मैंने कॉस टीटा नहीं लिखा है तो यहाँ पे कॉस टीटा भी होगा राइट right. तो अब ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा ए के स्क्वायर तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस टीटा इजक्व टू वन राइट तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस हाफ सॉल्व कर सकते हैं ना आप इसको तो थीटा क्या आ जाएगा 120 डिग्री राइट अब इसको डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं अगर मैं ट्रायंगल लॉ से जाऊं अपने ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन पढ़ा होगा तो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल कब होते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल में तो इक्विलेटर ट्रायंगल एक बना लेते हैं लाइक इफ दिस वन इज वन वैक्टर एंड दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज दर्ड लाइक दिस तो ये अगर मैं कह रही हूँ इक्विलेटर ट्रैंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ये एंगल भी क्या हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ये भी सिक्सटी डिग्री तभी इक्विलेटरल होगा इक्विलेटर ट्रेंगल यहाँ भी मैंने क्यों किया है बिकॉज ऑफ दिस लाइक तीनों जो है वो इक्वल है इसलिए मैंने किया है राइट right? तो यहाँ पे ऐसे करते ही हमें यहाँ पे दिख जा रहा है कि एंगल क्या है क्योंकि टेल टू टेल मिला के अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री सिंपल है वन ट्वेंटी डिग्री आ जाएगा है ना तो ये डायग्राम से आप पहले बाद में ट्राई करें पहले एक इक्वेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें जब आप थोड़ा सा सीख जाएं तब ये डायग्राम से भी आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी दे रखा है तीनों वेक्टर का और ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो सी के इक्वल है तो हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना तो एज यूज़र हम पहले इक्वेशन से करेंगे इक्वेशन से कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या लिखेंगे ट्वेल्व स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस टू इंटू ट्वेल्व इंटू फाइव इंटू कॉस Like this, equals to what? 13 right? अब यहाँ pe हम क्या लिखेंगे 144 plus 25 plus ट्वेंटी multiply kar ये to कर लेंगे तो aa jayega क्या आ जाएगा 120. Cos theta is equals to इज right टू वन सिक्सटी नाइन राइट तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते ही कॉस्ट थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल इन दोनों का समेशन भी वन सिक्सटी नाइन ही है तो ये कट जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट थीटा क्या आ जाएगा जीरो तो टीटा इक्व टू क्या आ जाएगा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था तो कॉस्ट जीरो कब होता है नाइन्टी डिग्री पे तो ये क्या आ जाएगा नाइन्टी डिग्री राइट अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाइथागोरस में हमें याद है कि दिस प्लस दिस लाइक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्व टू इसका स्क्वायर ऐसा कब होता है लाइक like, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्व टू तो सी स्क्वायर कब होता है जब नाइन्टी डिग्री का हो एंगल तो यहाँ पे नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पे हमने टेल टू टेल ज्वाइन नहीं किया है लेकिन टेल टू टेल भी ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री ही आ जाएगा तो ऐसा कब होता है जब एंगल 90 डिग्री हो तो यहाँ पे 90 डिग्री है एंगल तो ये हमें रिजल्ट याद भी होगा 12, 5 एंड 13 ये राइट एंगल ट्रैंगल बनाता है पाइथागोरस में तो पाइथागोरस में अगर राइट एंगल ट्रैंगल बनाता है तो ए एंड बी के बीच में ऑब्वियसली एंगल क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो Stay connected. Bye for now.